गुमला जिले के चर्चित प्रकाश उरांव हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। गुमला पुलिस ने इस कांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही घटना में प्रयोग की गई खून से सना हुआ पत्थर, बुलेट, मोटरसाइकिल और अन्य सामान भी पुलिस ने जब्त किया है। इस संबंध में गुमला के SDPO मनीष चंद्र लाल ने बताया कि प्रकाश उरांव हत्या जिले का चर्चित हत्याकांड रहा है, जहां पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या किया गया और फिर शव को छुपा दिया गया था। प्राथमिकी अभियुक्त अजित कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया और उसके द्वारा पूछताछ किया गया और उसके साथ उसके सहयोगी सुनील उड़ाव उर्फ काड़ा को भी गिरफ्तार किया गया और दोनों की निशानदेही पर इसके जो मृतक प्रकाश उड़ाव का शव को बरामद किया गया और उन लोगों द्वारा अपने अपराध स्वीकार करते हुए अपने अन्य एक साथी का नाम भी लिया गया जो आपका बिंदेश्वर साहू ग्राम उत्तम कुमार साहू पिता बिनेश्वर साहू ग्राम खोरा का है, उसे भी गिरफ्तार की गई है। इसमें 50 किलो का पत्थर खून लगा हुआ बरामद किया गया जिससे मार के हत्या की गई थी और एक मोटरसाइकिल जिसको का उपयोग वादी को ले जाए मृतक को ले जाकर हत्या करने के लिए उपयोग किया गया था उसे बरामद कर लिया गया है। वजह क्या था सर? वजह इस बताया जा रहा है कि पूर्व में दोनों पक्षों में मृतक और अभियुक्त के बीच में मारपीट की घटना घटी थी जिसमें मृतक जेल भी गया था जेल छूटने के बाद और ये एक बदला लेने की भावना में